subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रिया और शौविक को जेल से रिहा करवाने के लिए वकील हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोर्ट में भी पेशी हो गई है, जहां पर कोर्ट में रिया की ज़मानत को लेकर कई सारी दलीलें दी गई हैं और ये दलीलें दी गई हैं वकील ने। वकील ने ये कहा है कि रिया को इस तरह से बिना किसी सबूत के जेल में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है रिया के साथ में उसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये सब कुछ सुशांत की ही गलती है। जी हाँ, इनडायरेक्टली ही रिया और उसका वकील सुशांत को ही ब्लेम कर रहे हैं कि सुशांत ही ड्रग्स लिया करता था, वही मंगवाता था, जिसमें रिया का तो कोई हाथ था ही नहीं। ऐसे में जब रिया एक मरे हुए शख्स पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है, तो जाहिर सी बात है कि रिया अब काफ़ी हद तक उतारू हो गई है सुशांत को बदनाम करने के लिए। वो तरह तरह की वीडियो भी वायरल कर रही है, जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सुशांत की मेंटली हालत ख़राब है। वो सुशांत को मेंटली घोषित करना चाहती है, जिससे कि ये केस यहीं पर बंद हो जाए। अब इसी तरह की अगर पैतरे आजमाएगी रिया, तो वो आगे चलकर कितने ज़्यादा उनके काम आएंगे और कितना उन्हें ही फंसा देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.